मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं? अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में हाई डेफिनेशन के चैनल देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, डीडी फ्रीडिश के अलावा आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अगर आप लोग हाई डेफिनेशन के चैनल बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं। जी हाँ, डीडी फ्रीडिश है तो यहाँ पर दूरदर्शन के ही हाई डेफिनेशन के चैनल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास चाहे कोई केबल सर्विस है, चाहे कोई पेड डीटीएच है, वहाँ पर भी आप लोगों को ये हाई डेफिनेशन के चैनल देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब डीडी फ्रीडिश पर जो इनके चार हाई डेफिनेशन के चैनल हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, कम्प्लीटली लॉन्च हो चुके हैं, हाई डेफिनेशन हाई पिक्चर क्वालिटी के साथ लॉन्च कर दिए गए हैं और मज़ा आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इन हाई डेफिनेशन के चैनल्स को नहीं देखेंगे। अगर आप लोगों ने डीडी फ्रीडिश का सेट टॉप बॉक्स ले रखा है तो आप लोग ज़रूर देखेंगे। चार में से तीन ना भी देखें लेकिन चार में से दो जरूर तो देखें, दो चैनल तो जरूर आप लोग देखेंगे, क्योंकि जो चार चैनल्स हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को भी लाइक कर दिया करें यार, मोटिवेशन मिलता है। 5 साल हो चुके हैं, 50K तक सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं मेरे मेन चैनल ब्यूनिक टॉक्स पर, लेकिन ये वीडियो आप लोग डीडी फ्रीडिश टॉक्स पर देख रहे हैं। यहाँ पर भी भाई 2 साल हो चुके हैं और 12,000 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट हुए हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आप लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, आगे भी शेयर कर दिया करें आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आती है। तो यहाँ पर जो चार चैनल हैं, सबसे पहले तो डीडी नेशनल HD लॉन्च हो चुका है, पहले से ही लॉन्च है ये चैनल, तो देखिए आप लोग जरूर देखेंगे क्योंकि डीडी नेशनल पर हर रोज दोपहर 1 बजे फिल्म भी दिखाई जाती है, बेशक पुरानी मूवी दिखाई जाती है लेकिन हाई पिक्चर क्वालिटी में। आप लोग उसके सीरियल भी अगर देखना पसंद करते हैं तो हाई पिक्चर क्वालिटी में सीरियल्स जो है यहाँ पर देख पाएंगे डीडी नेशनल चैनल पर। उसके बाद जो सेकंड चैनल है डीडी न्यूज HD जो अभी लॉन्च हुआ है कल ही भाई, ये पहले भी देखने को मिलता था लेकिन इसके जगह पर डीडी स्पोर्ट्स HD लॉन्च कर दिया गया था और ये रिमूव हो चुका था डीडी फ्रीडिश से। तो डीडी न्यूज HD भी लॉन्च चुका है, डीडी न्यूज HD हाई डेफिनेशन में आप लोग अगर न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप लोग इसे भी देखना पसंद करेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग इसे देखना नहीं चाहेंगे लेकिन मैं अपने बता रहा हूँ क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह इतना नहीं देखता हूँ, तो मतलब एक आध बार, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पर बार बार वही न्यूज़ चलता रहता है तो कौन इतना देखे भाई। बहुत से न्यूज़ के चैनल हैं आज तक, ABP न्यूज़ कौन जरूरी इतना देखे भाई। और उसके बाद थर्ड चैनल है DD इंडिया HD, ये इंग्लिश लैंग्वेज का है, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज़ देखना चाहता है तो वो DD इंडिया HD भी देखेगा, इंटरनेशनल चैनल है भाई ये हमारे दूरदर्शन का। और फोर्थ चैनल जो है उसे तो मैं कहना चाहूँगा कि हर क्रिकेट लवर देखना चाहेगा, जो भी क्रिकेट देखना पसंद करता है या अदर स्पोर्ट्स इवेंट भी लाइक एशियन गेम हो गया या और भी स्पोर्ट्स इवेंट है उन्हें देखना पसंद करता है तो DD स्पोर्ट्स HD हाई डेफिनेशन में हाई क्वालिटी में आप लोगों को क्रिकेट देखने को मिलेगा भाई DD स्पोर्ट्स पर। और इंडिया की जो आपकी इंडिया में जो भी सीरीजेस खेली जाती हैं वो सभी सीरीज DD स्पोर्ट्स चैनल पर दिखाई जाती हैं, सिर्फ DD फ्रीडिश व्यूवर्स को ही। अगर आप लोग DD स्पोर्ट्स अदर पेड DTH पेड केबल पर देखेंगे तो वहाँ पर ये सीरीज DD स्पोर्ट्स 2.0 में बदल जाती है और वहाँ पर ये देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ ये बेनिफिट DD फ्रीडिश व्यूवर्स को ही है और DD स्पोर्ट्स पर हाई डेफिनेशन में मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि अभी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चली हुई है, आप HD में जो है उसको DD फ्रीडिश पर देख सकते हैं। आगे भी और भी बहुत सी सीरीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, एशिया गेम भी आप लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड कप के इंडिया के मैचेस, सेमीफाइनल फाइनल मैच ये भी आप लोगों ने फ्रीडिश पर देखे होंगे भाई हाई डेफिनेशन क्वालिटी में। सो अपडेट यही थी इन चार चैनल्स को लेकर। अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।